नमस्ते। आज हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सबके लिए लाए हैं मूली के पराठे बना के आपको दिखाएंगे। और हम हमारे इधर कैसे बनते हैं, जो गांव देहात में, तो हम ऐसे बना के हम आप सबको दिखाएंगे। तो चलते हैं, मूली कद्दूकस करते हैं। मूली लाए हैं तो मूली कद्दूकस करके छील छील के और कद्दूकस कर लेंगे। इसको हम छीलेंगे ऐसे करके। छील ली है, हम इसको जामा कद्दूकस करें। हम जामे थोड़ा सा नमक डाल के रख दी, और इसमें जो पानी है जो निकल जाएगा तो सूखी सूखी हो जाएगी। तो इसको निचोड़ के फिर हम बनाएंगे। इसको हम निचोड़ लेंगे ऐसे करके। पूरा पानी देखो, इतना पानी निकलियो नचोड़ के। इसको पानी को फेंक देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने हाथ से पीस के जो नमक मिर्ची रखा था, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। किसी में डालो, आलू में डालो या पराठों में डालो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने धनिए का, हरी धनिया और सूखी धनिया बीज वाली, और हींग और जीरा और वो हींग और धनिया पूरा हमने मिला के पीस के रखा है, तो वो मैं मिलाऊंगी ये इसमें। ये अच्छा लगता है, मैं पीस के रख लेती हूँ। फिर मैं इसको ये थोड़े डालेंगे। इसको हम ऐसे करके मिला लेंगे। इसमें धनिया नहीं डालने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सब कुछ पड़ा है। आप भी मूली पराठे ऐसे बना के खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। किसी के साथ खाओ, दही के साथ या दूध के साथ या चाहे सब्जी के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। या टमाटर के चपो, जो जिसको पसंद है वो खाए। तो आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप नए हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारा वीडियो आगे बढ़ सके। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और शेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब हम बना के आपको दिखाएंगे। जब हमने भर ले आटा में, हम इसको लोई करके
ऐसे करके बना ले। ये हमारे हुए हैं मूली के पराठे तैयार। अब उनको देंगे जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है बार बार, क्योंकि हमारे घर वाले बहुत बीमार पड़े हैं, दवाई में पैसा बहुत जाता है। बेटी भी शादी लायक है तो उसके शादी के लिए कुछ जोड़ नहीं पाते हैं, जो कहीं शादी लड़का देख दाख के शादी करें। तो बेटी भी हमारी शादी लायक है, उनके दवाई में पैसा बहुत जाते तो उनकी दवाई इलाज होत रहता है हमारे घर वाले की। बेटी को चिंता लगी है, क्या है शादी लायक क्या करें, हमारे हाथ में कुछ है नहीं इतना जो कुछ करें, इतना पैसा नहीं है, इतना कोई कर्ज नहीं देते। आजकल बहुत खर्चा हो शादी में, कम से कम 10-15 लाख, कोई कैसे लड़का देख जाओ तो 10-15 लाख से नीचे नहीं है उनके, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, कोई ठीक ठाक नहीं मिलते जो हम अपनी बिटिया की शादी करें, उनके इलाज में तो पैसा जाता कि इलाज से हम कभी टाइम ही नहीं मिलते जो हमारी इलाज कहूँ बंद हो उनकी कहूँ, तो थोड़ा पैसा जो है तो पैसे नहीं है जो हम कुछ कर पाए। इसलिए हमारी सब लोग मदद करो, जो जो हमारे बिगड़े काम है वे बन जाए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करना और हमारे चैनल को लाइक करना ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सभी बहन भाई इतनों हमारी तरफ से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इतना वीजा मेरे हाथ में कि अपनी बेटी की शादी कर सकें, तो कुछ हमें सभी आप सब लोग मदद करो जो अपनी बेटी की शादी कर सकें। इतना पैसा हमारे पास नहीं है जो हम अपनी बेटी को शादी करके घर से निकाल पाऊँ। आज भी हमारे बन गए तो हमारे मूली पराठे तैयार हो गए। अब हम उनको खाने के लिए देंगे, वो खा लेंगे क्योंकि भूख उनको लग गई है। 2-2 घंटे बाद देना पड़ता है कभी कभी, कभी कभी तो 1-1 घंटा बाद देना पड़ता है। तो ये टमाटो केचप है, इनको ज़्यादा खट्टा नहीं देंगे क्योंकि ऑपरेशन है, तो इसलिए ज़्यादा खट्टा नहीं देंगे, इसके साथ खा लेंगे। और सब्जी दे देंगे इसके साथ में, जो होगा दाल होगी दाल तो देंगे तो खा लेंगे। तो आप हमारो मेरो वीडियो आप सबको कैसे लोगो, हमारे वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हमारा वीडियो आगे बढ़ सके। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद होगा जो हमारे वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। आप हमारे वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा वीडियो देखना और वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सबको हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहन भाई को सबको नमस्ते। अगर हमारे बोलने में कुछ गलती हो गई होगी तो भाई बहन हमको सभी लोग माफ़ कर देना।
तो गांव देहात के हम तो ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, ऐसे उल्टा सीधा टूटो फूटो बोल पाते हैं, तो क्षमा सबसे मांगते हैं। बाय।